बच्चों को हैंडल करना इज़ अ वेरी वेरी बिग बिग टास्क, क्योंकि यहाँ पर आप टीचर्स देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे हो, और बच्चे यहाँ पर सिस्टम सिस्टम चिल्लाए जा रहे हैं। बोलो सिस्टम 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 मैं भी सिस्टम मैं भी तो आजकल मार्केट में एक बहुत ही तेज से हवा आई है और उस हवा से हम सभी वाकिफ हैं। अरे मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस की। आप देखते हैं ना बिग बॉस, तो हम भी देखते हैं बिग बॉस, हम कैसे पीछे रह सकते हैं और कृषि जागरण भी कैसे पीछे रह सकती है। तो इसके लिए आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ऑफिस वालों से जानेंगे कि बिग बॉस का हवा हमारे ऑफिस में क्या हवा फैला रहा है। तो चलो फिर हमारे ऑफिस एम्प्लॉय से जानते हैं कि वो किसके सपोर्ट में है, या उनको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, या कौन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है। वैसे मुझे तो वो रुको, रुको, रुको। ऑडियंस से जानने से पहले तुम तो अपना ओपिनियन दो। किस चीज के लिए ओपिनियन दो? तुम्हें बिग बॉस में कौन अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स सबसे अच्छा मुझे एल्विश लगता है, और आई विश की जैसे कि कहा गया है कि वाइल्ड कार्ड वाले जीतते नहीं है, और ये हिस्ट्री भी रही है कि कोई भी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है आज तक, तो मैं चाहती हूँ कि एल्विश ही जीते। और रही बात फुकरा की, तो ऑब्वियसली मैं तो फुकरा को भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो डे वन से और वो भी उसने बहुत अच्छी गेम खेली, जैसा भी गेम खेला, कि एट द एंड बिग बॉस एक गेम ही है लेकिन आपको ह्यूमैनिटी को भी ऊपर रखना है, तो उसने दोनों को बैलेंस किया है, वो भी डिजर्व करता है। लेकिन एल्विश ने तो जीत लिया है दिल सबका, तो मेरे को लगता है मोर डिजर्विंग वो है। और बाकी सबसे इरिटेटिंग है वो बेबी का, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मनीषा की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा उसको डीमोटिवेट कर दिया गया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। अब तो वो लाइन पे आ गई है, बट ऐसा बोल रहे थे कि मुझे हिसाब से शुरू से लग रहा था कि वो उसका लाइन कभी बिगड़ा ही नहीं था, वो ठीक ही चल रही थी। अब मेकर्स को लग रहा था, हमको क्या, हमें तो अच्छा लग रहा है ना एज ऑडियंस। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और बाकी सबसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है बिग बॉस पर। सॉरी खोल ही नहीं रहा है। हमें हमारा पहला कंटेस्टेंट मिल चुका है और वो है ये काली काली टी शर्ट वाले काली जुबान नहीं काली टी शर्ट वाले। तो हम चाहते हैं आप अपनी मुंह दिखाई कर लीजिए हमारे कैमरे के सामने। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम विवेक। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन आपके लिए है, आप बिग बॉस देखते हैं? हाँ देखता हूँ। देखने का रीजन एक ही है, एल्विश यादव। तो एल्विश की एक बात जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे, इसमें क्या अच्छा लगता है उसमें? उसका सिस्टम। तो एक बार ऐसा करके बोल दो सिस्टम। बोल दो सिस्टम। और बताओ कि क्या कहते हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन लगता है? लगता था अविनाश, जो कि बाहर चला गया है, अब लगती है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट क्यों? ऐसे ही, मतलब बिग बॉस एक तरह का शो है जहाँ पे हम थोड़े से फैमिली के टाइप का रहते हैं, पर उनका हर टाइम जैसे होता है ना एक डिप्लोमेटिक आंसर, तो कुछ भी बोलो तो उनका पहले से ऐसा लगता है कि आंसर प्रिपेयर्ड है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अच्छा, वैसे तो सब बेबी का कहते हैं कि शी इज मोर विलन और इरिटेटिंग भी है अभिषेक के लिए। इरिटेटिंग नहीं है उनका, मतलब थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम नहीं रहता किसी से, तो इसीलिए उनको विलन। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट रियल विलन है, क्योंकि वहाँ की बात वहाँ कर रही है। तो नहीं, वो नहीं करती हैं, उनके पास सारी बातें जाती रहती हैं, जैसे अविनाश उनसे जाके पूछता है, इनफैक्ट वो जबकि जो जिस बंदे का बात है उससे पूछ सकता है, बेबिका की भी यही आदत है। तो आपको फुकरा और एल्विश में एल्विश क्वेश्चन से पहले ही आंसर है एल्विश, बट फुकरा ने भी बहुत अच्छी गेम खेली है। हाँ, वो गेम अच्छी खेलती है। और मनीषा रानी के बारे में क्या बोलोगे? मनीषा रानी मतलब टॉप 3 में मैं देखता हूँ उसको। और अगर ऑफिस से रिलेट करके मैं पूछना चाहूँ तो ऑफिस की मनीषा रानी कौन लगता है आपको? मनीषा रानी ऑफिस में? हाँ, या पूजा भट्ट? या पूजा भट्ट ऑफिस में। अगर आपको बिग बॉस का कोई कैरेक्टर ऑफिस में मतलब देना है तो आप किसको दोगे? मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखना पड़ेगा इधर उधर कौन है। हाँ, बताओ फिर अपनी टीम से देख लो, इसी फ्लोर में देख लो, इसी फ्लोर में देख लो। ठीक है, तो अपनी टीम से पूजा भट्ट हो गई, आयशा और किसका, मनीषा रानी मनीषा एंटरटेनिंग कौन है? इस फ्लोर में भी किसी को भी बोल सकते हो।
तो मनीषा हो जाएंगे ये, क्योंकि दिन भर चुप नहीं होती है, बोलती रहती है। कैमरा इन पे भी फोकस किया जाए। से हाय टू आवर ऑडियंस। और एल्विश किसको बोलना चाहोगे? एल्विश तो यार कोई भी बोल सकता है। ऐसा होना जिसमें सबकी बहन बजा रखी है आपके नाम में, मैं मुंह पे जो बोलना हूं मुझे बोल दे, सामने वाले को नहीं देखना बुरा लगा है, अच्छा लगा। मैं ही हूं फिर तो। हां तब भी इतना इन्फ्लुएंस हो गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे केजी व्लॉग्स में आने का। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी इजाजत से एल्विश जी। गाइस ये है तान्या और हमारे ऑफिस में ये न्यू आई है और हम दोनों ने इसको घेर लिया है, इसीलिए घेरा है बस और बस बिग बॉस के लिए, क्योंकि ये बिग बॉस देखती है। किसको सपोर्ट करती हो? एल्विश यादव, सिस्टम फॉरएवर। तो आप मींस एल्विश यादव को पहले से जानती थी या फिर बिग बॉस में आने के बाद जानना? नहीं, लॉकडाउन से पहले लाइक मैंने उनका चैनल फॉलो किया था, फिर उनके वीडियोस वगैरह देखी और तब से तो सिस्टम ही सिस्टम चल रहा है। एक ऐसा इंसिडेंट बिग बॉस में जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि ये नहीं होना चाहिए था? जब एल्विश यादव के साथ जिया ने वो लाइक वो सोप वाला प्रैंक किया था, वो बहुत गलत था, और फिर लाइक प्रिटेंड करना कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो गलत था। और कुछ ऐसा जो बहुत अभी भी आप हंसते हो और सोचते हो कि यार ये वाला मोमेंट दोबारा सा होना चाहिए? बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट तीन बोल दो कोई, टॉप थ्री। फनी फनी फनी। एक तो जब एल्विश यादव ने अविनाश को वो पागल का बच्चा बोला था, बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा बोला था, और वो लाइक बहुत चिढ़ गया था, वो रील काफ़ी वायरल हुई थी, मैंने बहुत, ये मेरा फेवरेट है और बाकी बहुत सारे बट अभी याद। तो टॉप थ्री में किसको देखते हो? टॉप थ्री में ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि एल्विश यादव जीते, तो वो और ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, सॉरी फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान और मनीषा। मनीषा, मनीषा के लिए कुछ बोलना चाहोगे? लगता है आपको कि, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मेरा राय पूछो तो वो एंटरटेनिंग है अभी भी स्टिल, जैसे बीच में उनका ट्रैक बोला था इधर उधर, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे कि हाँ है कि नहीं? बिग बॉस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो एंटरटेनमेंट है, और इट्स लाइक कि तुम अपने ट्रू सेल्फ रहो, तो वो हमेशा से अपना ट्रू सेल्फ रही है और हमेशा से उसने जिसको सपोर्ट किया उसको सपोर्ट किया है, चाहे सामने वाले ने उसे नहीं भी किया है, तो आई गेस हाँ। और आपको लगता है कि बिग बॉस जो है बोला जाता है कि रियलिटी शो है, सब कुछ रियल होता है, बायस्ड लगता है आपको कि कभी कभी बायस्ड हो जाता है? पूजा भट्ट लाइव एग्जांपल। ओके थैंक यू सो मच। किसी और के पास चलते हैं। और कौन देखता है बिग बॉस? सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे सबसे अच्छा एल्विश लगता है। और नहीं, सिर्फ पहले अभिषेक अच्छा लग रहा था, लेकिन एल्विश जिस दिन से आया है एल्विश। तो ऐसे तुम शिफ्ट क्यों हो गई, मतलब कैसे तुमने फ्लिप मार दिया फुकरा से सीधा उसमें? रिच गाय, रिच गाय। अभिषेक क्या करता है ना, वो ना हमेशा बोलता है कि मैं जीतूंगा, वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीतने वाला है, तो वो चीज़ मेरे को बट ये एक ट्रू ईगोइस्टिक लगता है, बट ये कहीं ना कहीं एक ट्रू फैक्ट भी है, क्योंकि आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई भी वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है। तो इस बार जीत लेगा। तो एक बार सिस्टम करके दिखाना कैसे रहता है ये सिस्टम है, कैसे उसको करता है ना, मैं भूल गई। सिस्टम ही सिस्टम करता है, ऐसे ही तो बोलता है, कर तुम करके दिखाओ ना। नहीं नहीं वो नहीं करो, सिस्टम कुछ भी करता है ना, सिस्टम है हमारा। वो अभिषेक जो अविनाश को भी बहुत मतलब जगा दिया था ना, वो साइलेंट था। तो अभी वो एलिमिनेशन में वो नॉमिनेट हुआ है, वोट किया तुमने? नहीं मैंने तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है वो जीतेगा, मैं जिसको वोट करती हूँ वो हार जाता है। अरे अनलकी अनलकी नहीं रे, अनलकी नहीं, दिल से होना हाँ। चाहिए। तो एक काम करो, तुम फुकरा को वोट कर दो, फिर एल्विश जीत जाएगा। बट अभिषेक तो ऑलरेडी फिनाले में चला गया ना। हाँ, हाँ। तो कोई नहीं, ग्रैंड स्लैम में ट्रॉफी फिर। अच्छा हाँ, अगर तुमने सुना हो कि चक्का जाम होने वाला है, अगर एल्विश आया तो गुड़गांव में तो चक्का जाम हो जाएगा, तो उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगी कि होना चाहिए चक्का जाम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्यों, तुम मिलना नहीं चाहती एल्विश से? मतलब मिलना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगा ना फिर, तो एक दिन का प्रॉब्लम है, खुशी मनाएंगे तो फिर ठीक है। जाएंगे सब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम पांडे। पांडे जी, आप पहले पांडे जी के बारे में बता दीजिए, जो सलमान खान जी है। बिग बॉस देखते हैं आप? हाँ, कब से फॉलो कर रहे हैं, मतलब यही सीजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं? सिद्धार्थ शुक्ला वाला भी किया था, सिद्धार्थ शुक्ला के बाद फिर अब ये वाला करा। हाँ। रीजन क्योंकि इसमें यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं,
और कहना आप यूट्यूब चैनल देखते हैं इसलिए ऑफकोर्स डिजिटल चैनल का एक थोड़ा सा ग्रोइंग करने का वो है, तो मैं चाहता हूँ कल को मेरे को बिजनेस वहाँ से मिल जाए इसलिए। गाइस यूट्यूब से हमारे सारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जाइए विजिट करिए। हाँ, और अगर कोई बिजनेस भी आए तो वो भी हमको बताइए। हाँ तो फिर इन्फ्लुएंसर्स के वजह से आप देख रहे हैं ये वाला चैनल, एक्चुअली उसमें चैनल नहीं ये शो। हाँ, ये शो बेसिकली इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं और एक जो नेपोटिज्म की बात किया जाता है वो चीज़ें नहीं है इसमें। यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि डिजिटली वे में भी लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, जो जैसे कि अभी अविनाश आया था, अविनाश ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और वो एक एक्टर के तौर पर है, डेली सोप में वर्क करता है। पूजा भट्ट भी आई हुई। हाँ, पूजा भट्ट भी आई हुई थी, निर्देशक रह चुकी हैं, हालांकि उनकी इमेज को साफ करने के लिए वो लाया गया है, बट हाँ स्टिल कि इसमें जो है एक बंदा अपना एल्विश, जिसको सब लोग जानते भी हैं कि वो पहले नाम उसका सिद्धार्थ था, 2001 में उसके बड़े भाई ने दिया था जिसके कारण फिर उसे एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उन्होंने नाम दिया था ये चीज़ का उनके लिए। तो मुझे एक चीज़ ये लगा कि वो एक डाउन टू अर्थ बंदा है और वो काफ़ी एन जी ओज ऐसे चला रहा है जिसपे वो खाने वाने को भी देता है, डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, तो एक चीज़ उसकी काफ़ी अच्छी है, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि एल्विश अच्छा करेगा और अच्छा जीत सकता है वो। प्लस वैसे ये अभिषेक भी है, सामने बोलने में बिलीव रखता है। हाँ, जो भी होता है मुंह पे बोल देता है। वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से गेम नहीं खेल रहा है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहा है अपने आप को। रियलिटी शो है तो रियल अपना साइड दिखा रहा है। वो रियलिटी साइड दिखा रहा है अपनी और अपने आप को जैसा है वैसा प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि अविनाश ने बोला कि अगर वो जिस तरह से कर रहा है, अभी जैसे कि अभी परसों क्या आया था तो उन्होंने बोला था कि एल्विश ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं अपने फैंस को भी वो गलत कन्वे कर रहा है, तो ये मुझे लगता है वो। बट उसकी फैंस ने तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ, पहले of course, से ही। क्योंकि उसकी वो टोन वैसी है, अगर उसकी टोन की लेके बात करें तो उसकी टोन वैसी है और फ्रेंडली मिजाज है उसका, तो वो वैसे बोलता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता वो कुछ अब्यूज़ करता है एंड ऑल थिंग उस पर जैसे बात होती है। और अभी एक जो टॉपिक हुआ था लास्ट सैटरडे एलिवेशन का जब डे था, तो उस टाइम पे भी सलमान खान ने जब बोला था सब कुछ डांटने के बाद, जो उस पर बेबिका को लेकर बोला था, बेबिका के बाद वाले टॉपिक पे जो बात हुई थी, सलमान खान ने सैटरडे को वीकेंड पे आए थे तो उन्होंने बोला था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी माँ को लाना वो चीज़ें वो गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफिकल्टीज हो जाती है और स्ट्रगल कर रहा था उस चीज़ को। प्लस एक उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि आपके ऑडियंस आपको 500 रुपये दे के देखेंगे, तो वो स्टेटमेंट भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर फिट बैठता है वहाँ। एक्चुअली उसकी जो है फैन फॉलोइंग है वो एक जेन्युइन फैन फॉलोइंग है और उसको एक्चुअल में लोग करते हैं, इवन हम लोग भी हैं, हम लोगों को कौन सा वो पैसे दे रहा है और हम उसके कौन से पीआर एजेंसी के पार्ट हैं। तो उसकी वैसे पीआर एजेंसी नहीं है, उसके लिए वैसे भी काम कर रहे हैं लोग। उसका एक दोस्त है कटारिया, वो भी अच्छा वर्क कर रहा है उसके लिए, एक दोस्ती के नाते पे ही कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनेस्ट है उसके अंदर तो जीतेगा भाई। टॉप थ्री में किसको देखते हो? टॉप थ्री में वैसे तो अभिषेक और मैं एल्विश को देखता हूँ। वैसे मे बी जीतने की बात कहें तो जिया तो भी है, बट जिया को चांसेस नहीं है, मुझे लगता है जिया इस बार वीकेंड पे निकल जाएगी। बट मनीषा एंड आपका नहीं, मनीषा एंड पूजा भट्ट और अपना एल्विश, एल्विश टॉप वन पे है, नंबर वन पे है। और सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन लगता है? या अविनाशा, अविनाश वो अब चला गया। अब बेबी का इन लोगों में से मुझे लगता है कि पूजा भट्ट इरिटेटिंग। हाँ, एक्चुअली वो ना बहुत ओल्ड थिंग के साथ चलती हैं और वो भी गेम खेलती हैं जब उनको, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, हम लोग देख रहे हैं उनके गेम ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से होते हैं, वो एक पल को सबके साथ दिखाती हैं कि हम सबके साथ हैं, बट वो फिर बाद में एक बंदे को जाके पर्सनली वे में जाके वो एक पुचकारती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा है तो ऐसा नहीं, ऐसा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पूजा भट्ट के पास फ़ोन है या फिर स्क्रिप्ट है, तो ऑफकोर्स उनके पास फ़ोन है, वो फ़ोन है उनके पास, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वो होता नहीं ऐसा, बट हर साल कोई ना कोई आता है। लास्ट टाइम साजिद वाजिद आए थे, साजिद खान आए थे, तो उनको भी लेकर इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी इमेज थोड़ी डैमेज हुई है। तो बॉलीवुड में इंडस्ट्री में अगर इमेज किसी की डैमेज होती है तो बिग बॉस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि इमेज अच्छी कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं उनकी, उनको थोड़ा एडवांटेज भी दिया जाता है शो के अंदर। ऑफ कोर्स, अब देखा होगा कभी कई जगह पे पार्शियलिटी कर रहे थे वो लोग। गाइस बिग बॉस की जो हवा चल रही थी ना उसमें लहराते लहराते हम दोनों आ गए हैं अनामिका जी के पास। तो हमारा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले तो ये है कि आप पूरे ऑफिस को अच्छे से जानते हो क्योंकि थोड़े पुराने वर्कर है, तो आप हमें तो हम आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ये वाले कि आप हमें कैरेक्टर बताओ कि कौन सा किस पे फिट बैठता है। मनीषा रानी, ऑफिस के मनीषा रानी कौन है?
वो भी बिहार की है, ये भी बिहार की है, बिहार के हम भी हम वाले बिहारी हैं, वो भी हम वाली बिहारी है। और इंसान उसके कैरेक्टर का कोई नहीं है। एल्विश नितिन सर वैसे एल्विस मेरा फेवरेट है और फुकरे इंसान भी मनी सर आने का। हाँ वैसे एल्विश यादव ना हमारे पर नितिन सर की तरह लगता है ना, साइड फेस, साइड फेस पे हम यहाँ भी तो नितिन सर भी नहीं नहीं उ, 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 बोलो। हाँ मैंने वही देख के वो कम बोलता है। और आप क्या बोलना चाहोगे उस शो के बारे में, सलमान खान के बारे में? सलमान खान का मुझे कभी समझ में नहीं आया, वो मेरे फेवरेट हैं लेकिन वीकेंड का वार जब भी आता है तो बहुत बायस्ड खेलते हैं, मतलब बहुत बायस्ड रहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री से नहीं है। लाइक अभी इस बार भी फुकरे इंसान मईसर आने के लिए बहुत बायस्ड रहे हैं, अगर जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको दिखता है और हर बार ऐसा होता है, बट मुझे इसके पीछे लगता है स्ट्रेटजी है कि वो बायस्ड रहें तो लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करें और शो को और ज़्यादा फॉलो करें, पब्लिसिटी हो। हाँ पब्लिसिटी हो, तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। और बाकी सब इस बार तो मतलब जो भी बिग बॉस में आए सब बहुत अच्छे हैं, बस मुझे पूजा भट्ट उतनी पसंद नहीं है क्योंकि उनकी बातें ना बहुत प्रवचन टाइप रहती। ठीक है प्रवचन दो इट्स ओके, बट हाँ मतलब कोई एक गलती कर दी, अभी जैसे बीच में मनीषा रानी के लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गई थी, हर कोई भी घर में गलती करता था तो मनीषा रानी ही गलती की है, तो ऐसा होता था। और फिर बाद में शायद ऐसा लग रहा है कि अब उनको किसी ने समझाया है कि बहुत बुराई कर ली हो, बाहर बहुत गंदा दिख रही हो, तो उन्होंने अब बंद कर दिया मनीषा रानी की बुराई करना। तो मैं चाहती भी हूँ कि मनीषा रानी जीते या फिर वो ना जीते, तो फुकरे इंसान और एल्विस में से कोई भी जीते, बाकी सब इस बार जो भी कंटेस्टेंट हैं वो अच्छे हैं, सबका अपना अपना कैरेक्टर है। पूजा भट्ट भी अच्छा खेल रही है, बस उनका एक जो वही साइड है कि वो कुछ लोगों के लेके बहुत बायस्ड है, जैसे बेबिका और मनीषा रानी जो फिल्म इंडस्ट्री से है ना उन्हें बहुत और हर बार तो ऐसा आता ही है। और बेबिका मनीषा रानी में कोई बहुत ज़्यादा वो इक्वलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेबिका को बहुत प्यार करती है और मनीषा से एकदम चिढ़ी रहती हैं। वही बीच में उनका एक स्टेटमेंट आया था मनीषा रानी के लिए स्पेशली, वो क्योंकि पूजा भट्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी करती रहती है कि ह्यूमैनिटी सबसे टॉप पर है, अच्छे से रहना चाहिए, परवरिश, अपब्रिंगिंग, बहुत सवाल उठाती, लेकिन उन्होंने मनीषा रानी के लिए एक स्टेटमेंट दी कि मुझे घिन आती है इसके साथ बैठने। हाँ वो ऐसे स्टेटमेंट बहुत बार देती रहती है। अभी बीच में उन्होंने ये भी दिया था छोटे हाँ नहीं सबको बोला था यहाँ पे जो भी लोग हैं छोटे लोग छोटी सोच, अगर ये चीज़ कोई और बोला रहता तो सलमान खान वीकेंड अवार्ड पे बहुत हल्ला मचाते हैं, बट इस बात को ले एकदम साइलेंट कर दिया गया। और सेम ऐसा ही रहा जब वो गेम एक हो रहा था जिसमें हीरोइन की जगह मनीषा रानी को, उसको जिसने बहुत अच्छा मतलब पूरे से शो में रही और एंटरटेन करती है, और उसको उन्होंने बस भीड़ का हिस्सा बताया। अगर ये गेम किसी और ने खेला रहता तो ऑब्वियसली बात है कि सवाल उठते रहते। तो ये हर बार बिग बॉस ये है, मैंने सोचा कि बहुत बार छोड़ दूँ लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं तो देखती हूँ। बाकी सलमान खान अच्छे हैं लेकिन वीकेंड के वार पर क्या होता है मुझे नहीं पता, या फिर उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है जो भी है। तो यही है कि मनीषा रानी जीते, और बाकी फुकरे और मनीषा का मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वो बोलते छोटी बहन है वो भी छोटा भाई वॉट एवर, लेकिन उन दोनों का मैं चाहती हूँ कि बाहर जाके कुछ केमिस्ट्री देखने हम भी ऐसे जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा उनका जो भी बॉन्डिंग है ना वो खुद भी देखेंगे ना तो हंसेंगे। हाँ मतलब उनका क्योंकि देख के तो लगता नहीं है कि, और बहुत एक्चुअल में उन दोनों का प्यार है और जो एक्चुअल में रिश्ता बना है उन दोनों का और एल्विस का थोड़ा बहुत जो भी कह लो, बाकी किसी का कोई रिश्ता नहीं है। पूजा भट्ट का मुझे बेबिका से समझ नहीं आया कि उनका क्या रिश्ता है। वो नेक्स्ट फिल्म में वो बेबिका को हीरोइन का रोल देंगी ना? हाँ मैं भी दे सकती है क्योंकि उनको तो वो भीड़ की हिस्सा लग रही थी और जिया हीरोइन अभी तक तो जिया हीरोइन लग रही थी और पता नहीं क्या हुआ लास्ट सीजन में, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन आई होप सो कि मनीषा रानी को वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा और बिहार की रानी को करूंगी मैं। गाइस वैसे तो ये बहुत बिजी है क्योंकि ये एडिटर है पूरे दिन वीडियो एडिट करता रहता है। हाँ पर हमने इनको बोला जैसे बिग बॉस के लिए टाइम निकालते वैसे हमारी वीडियो के लिए भी टाइम निकालते क्योंकि ये बिग बॉस का ही व्लॉग है। एल्विश तो पहले से बिग बॉस देखते हो हर सीजन या फिर एल्विश की वजह से स्पेशली देख रहे हो? फर्स्ट टाइम सिस्टम एक बार कर दो सिस्टम एक बार कर दो हमारे कैमरे सिस्टम बस हाँ हाँ बिल्कुल तेरा सिस्टम कर दूंगा। फिर टॉप थ्री में किसको देखते हूँ? टॉप थ्री में मनीषा को और वाओ मनीषा और दो लोग दो नंबर में एल्विश ने तो फुकरा इंसान पहला तो सिस्टम ही रहेगा हमारा। तो मतलब सिस्टम को देखने का रीज़न रीज़न पहले से हम लोग ब्लॉग्स देखते हैं उसके वीडियोस देखते हैं इसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए मतलब सब लोग उसको बोल रहे हैं कि उसका लैंग्वेज बहुत खराब है आपकी ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी बट पहले से ऑडियंस उसको पसंद करती है। बिग बॉस के लोगों को लगता है बाहर के लोगों को तो नहीं लगता है ना, हम तो सिस्टम वाले हैं सिस्टम ही बनाएंगे। और पूजा भट्ट के लिए क्या बोलोगे? उड़ाना है
और बेबिका के लिए? बेबिका क्या है, वो तो टेडी बेयर जैसे, उसको उठा के फेंक दोगे तुम? उठा के नहीं फेंक सकते तुम उसको? अरे चलो ठीक है, कुछ निक्रेन मंगा लेंगे। और मनीषा रानी? मनीषा रानी तो भाई अच्छी है, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट है, एक्टिव है, उसको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं वो तो, सिर्फ बिग बॉस के लोगों को ही लगता है। हां सही बोल रही है, वही मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि सबको ऐसा लग रहा था बिग बॉस वालों को कि वो गलत ट्रैक में जा रही है, पर ऐसा नहीं था, वो स्टार्टिंग डे वन से हमें एंटरटेन करते हुए आई है। और मनीषा और इल्विश का क्या बोलोगे? बिग बॉस छोड़ के उसके अदर, मतलब जैसे बिग बॉस छोड़ के देखोगे ना तो हर रियलिटी शो में वो ऐसे ही फ्लर्टिंग करती है, उसको कैरेक्टर ही वो दे जाती है, तो वो वो तो ऐसे फेक है, वो जस्ट टाइम पास, वो एंटरटेनमेंट कर। नहीं कल वाले में बोला ना कि मनीषा रोने लग गई उसकी बात सुन के, वो जैसा अभी मैं इसके साथ क्लोज हूँ तो वो एक्सप्रेस करती है कि वो मेरे साथ ही बात कर रही है, किसी और के साथ वो जाके गॉसिप ना करे, इसके लिए उसको हर्ट। वो ह्यूमन नेचर है, वो ऐसा होता ही है, जो क्लोज होता है तो उससे थोड़ा सा अटैचमेंट। एक ही घर में रह रहे हैं 24 घंटे तक। और कुछ लोग यहाँ पे कैमरे के यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। गाइस ये जो है ना, इसका तो है ना मैंने नंबर भी सिस्टम से सेव कर रखा है, मुझे नहीं पता ये एल्विश की वजह से बोलता है, बट एक बार करके बता दो। जब ये बिग बॉस में नहीं भी गया था ना एल्विश, उससे पहले से ये बोलता है। बिग बॉस देखते हो वैसे? देखता हूँ भाई, सिस्टम के लिए। सर बिग बॉस देखते हो? सिर्फ सिस्टम के लिए। सपोर्ट किसे करते हो? सिस्टम को। अगर एल्विश यादव को कुछ बोलना है तो क्या बोलोगे? एलविश यादव को भाई बहुत बढ़िया कर रहा है एलविश यादव, और सिस्टम हैंग है बिल्कुल, बाहर और अंदर दोनों जगह। चक्का जाम को सपोर्ट करते हो? चक्का जाम है आज रोहिणी में मीटअप है, एडवेंचर आइलैंड में, पूरा पूरा चक्का जाम एडवेंचर आइलैंड में है। तो गई नहीं तुम, 5 बजे था ना मीटअप तो? अरे हमारी पर्सनल मीटिंग है भाई डायरेक्ट। गाइस हम जब ऑफिस में व्लॉग शूट करते हैं ना तो कोई भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और ये अकाउंट टीम्स तो बिल्कुल नहीं, और वहाँ से आज चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रही है, तो देख लो कितना क्रेज है सबको बिग बॉस का, और वो भी सिर्फ एल्विश की वजह से। और देखो जैसे ही हमने कैमरा मोड़ा वो अपने काम में लग गए, इनकी स्माइल तो देखो, उफ मनीषा रानी भी पिघल जाएगी। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं दूसरे नीचे। चलो उससे पहले मैं बताऊँ, मेरे को ना तीनों ही अच्छे लगते हैं, एल्विश, फुकरा, मनीषा, और मैं तीनों को है ना पहले कभी नहीं जानती थी। मैंने बिग बॉस आया तो मैंने पुनीत सुपरस्टार की वजह से देखा, फिर बाद में मुझे फुकरा इंसान भी अच्छा लगा, फिर एल्विश आया, एल्विश भी अच्छा लगा, और मनीषा का तो मुझे वो अच्छा लगता है, 5 6 5 हम एल्विश की वाइफ। और गाइस मैं तो तीनों को पहले से जानती थी, तीनों को ही जानती थी, इसने ही मुझे बताया तीनों के बारे में। मैं तीनों को पहले से जानती थी, मुझे मनीषा का पता कौन सा अच्छा लगा, जब वो फुकरा और वो लड़ाई कर रहे थे, और वो छोटी है ना हाइट में, तो बोली थी हम छोटे हैं तो क्या लगता है हम मार नहीं पाएंगे, मार के फाड़ देंगे। चलो गाइस पूरा सबसे अच्छा लगा था। अब हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो पूरा गैंग है बिग बॉस का, मतलब सारे एक साथ बिग बॉस देखते हैं, तो ये वैसे तो हमारी अभी थोड़े बिजी है, तो ये फ्री होने का तक का वेट करते हैं, फिर आपको एक साथ बात करवाते हैं। तो गाइस ये हमारी FTJ की टीम है, ये पूरी टीम बिग बॉस देखती है, तो हम इन सबका एक साथ ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है गाइस रेडी हो ना? सर आप भी देखते हो? सर आप बताओ, आप देखते हो बिग बॉस? बिग बॉस नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपना घर देखें, बिग बॉस देखें। ये भी बात ठीक है, शादी के बाद कौन देखता है बिग बॉस? तो गाइस आप किसको सपोर्ट करते हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन सबसे है कि इन्हें अपनी टीम में एल्विश कौन लगता है, जो सबके मुंह पे जवाब दे देता है, जो उसे बात हर्ट होती है वो सब कुछ बोल देता है। वैसे तो अगर एल्विश का देखी जाए तो हमारी टीम में से ऐसा कोई भी नहीं है, एल्विश कहाँ। हाँ वैसे अगर ओपनली ऐसा बोला जाए तो मधु। मुझे भी मधु मैम लगती है। आयशा मैम। मी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को तो समर सर। समर सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि जिया ने सोप वाटर दिया था एल्विश को, तो उस पर क्या राय है? वैसे तो ये बहुत गलत था, अगर और कोई भी होता तो मैं यही कहती थी ये गलत ही है, बट अगर ये एल्विश के लिए था तो मैं सलमान सर के पास हम माथे में लिख के जाती कि ये गलत है, तो
तो इसको थोड़ा अच्छे से मतलब हाईलाइट करके दिखाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया मेरा यही है। ये वैसे उठी थी बात, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया बिग बॉस वालों ने, बात उठी थी बाहर वायरल होने के बाद। हाँ, लेकिन इसको इतना भी हाईलाइट नहीं किया जितना और मुद्दों को खींचा गया बिग बॉस में। तो अभी बिग बॉस में कुछ ही कंटेस्टेंट बचे हैं, जैसे कि अभी अविनाश और जैद का एलिमिनेशन हो गया है। अभी बची हुई है एल्विश, मनीषा, फुकरा। फुकरा तो ऑलरेडी फिनाले में है, पूजा भट्ट है, बेबी का है ना, और जिया है। तो क्या लगता है कि किसको निकल जाना चाहिए अब? सबकी राय भी सेम है जिया, क्योंकि बेबिका ने कुछ भी किया हो लेकिन वो पूरे शो में दिखी है और बंदी ने किया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इसलिए जिया को आई थिंक अब तो बिग बॉस वालों बाहर निकाल दो, क्यों बचा के रखा है, हीरोइन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से। अगर एल्विश यादव जीत जाएगा तो लाइक उसने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि अगर एल्विश यादव जीत जाएगा तो पूरा गुड़गांव रोड जाम कर देगा, मतलब चक्का जाम हो जाएगा। तो आप एग्री करते हो अगर वो जीत जाए तो चक्का जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर हो जाता है तो आप उस भीड़ के हिस्से का एक सदस्य बनना चाहोगे या नहीं? Yes, yes, yes. तो आप अग्री करते हो कि चक्का जाम होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। और उसका हिस्सा बनना चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। काश यहाँ से ना ऑफिस से एक छुट्टी मिल जाए। और नहीं मिले तो गाइस, वैसे चक्का जाम का बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ सफ़र भी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको इतना ज़्यादा प्यार करते तो एक दिन तो सब लोग सफ़र कर ही सकते हैं। ये एक ज़रिया उसने दिखाने को बोला है अपने ऑडियंस से, अपने फैन से, कि आप लोग मुझे प्यार करते हो तो चक्का जाम ज़रूर करो। और मुझे लगता है कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और ठीक है, मैं भी ये नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि मैं भी जाऊँ अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो, और ज़रूर देखना चाहूँगी। तो पर हम तो उसका व्लॉग भी शूट कर देंगे यार। हाँ। कि एल्विश का हमने पूरा सीन लिया कैसे हो वो चक्का जाम हुआ। और वैसे भी शादी ब्याह में भी तो रोड जाम ही होता है ना, लोग सफर करते हैं ना, तो एक दिन अगर अरे रैली जाती है सबसे बड़ी बात। हाँ। कि मिनिस्टर्स की रैली जाती है तो इतना चक्का जाम होता है, अगर उसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो एक तरीके का प्यार ही हम दिखा रहे हैं, है ना, तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब एक बार सब सिस्टम को सपोर्ट करते हो ना, तो एक बार वहाँ पे सिस्टम कर दो अच्छे से, हैंग वाला हैंग होना चाहिए, एल्विश यादव जीतना चाहिए। वो तो होने ही वाला है, जैसे बिग बॉस को हैंग कर दिया वैसे सलमान खान को हैंग कर दिया उसने तो। पर जिया को जल्दी से जल्दी निकाला जाए यार। हाँ। बहुत पका रही है ना अब, नहीं सहा जा रहा। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक करो यार, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये तो बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है जो हमने अपने ब्लॉग में यूज किया है। तो हम होप करते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपकी तरफ से, और बाकी सिस्टम तो हम हैंग कर देंगे।